नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज से। देखिए अब समाचार विस्तार से। सपा के प्रत्याशी व समर्थक गोरखपुर विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं, जिसके संबंध में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया कि हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने जो जनादेश दिया है वो चाहे किसी के पक्ष में दिया वो सुरक्षित रहे, जिससे आने वाले 13 मई को सही गिनती हो जाए और जिसके भी पक्ष में परिणाम जाए वो हमें स्वीकार है। उन्होंने बताया कि हर 8 घंटे में बदल बदल कर हम लोग निगरानी कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा, निगरानी हम इसलिए कर रहे हैं कि जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, जिसके भी पक्ष में दिया है, वो सुरक्षित रहे और आने वाली 13 तारीख को उसकी सही गणना हो जाए और जिसके पक्ष में परिणाम जाए वो हम लोग को स्वीकार है। हर 8 घंटे के बाद लोग चेंज हो जा रहे हैं और रात को भी लोग रह रहे हैं, दिन लगातार हमारी निगरानी चल रही है। नहीं, प्रशासन पे विश्वास की कोई बात नहीं है, विश्वास है, लेकिन हम सतर्क हैं, हम अपनी सतर्कता बनाए हुए हैं। इससे पहले भी बताया जा रहा है कि निगरानी लोग करते थे? हाँ, हमेशा करते हैं, जनता का जो जनादेश होता है तो हम जो आदेश है हमने स्वीकार किया उस चीज़ को।